दिल्ली में शनिवार की सुबह बारिश ने मौसम का रुख पूरी तरह पलट दिया। बढ़ती ठंड के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को सुबह सवेरे बारिश हुई। दिल्ली में अभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी थी, मगर आज सुबह की बारिश से लगता है कि मौसम का मिजाज अब बदल गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले कुछ घंटों तक दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, द्वारका और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, छपरौला, मोदीनगर, पिलखुवा, नरेला, लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, चांदपुर, बिजनौर, नाजाबाद और सहारनपुर में भी बारिश की संभावना है। हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। वहीं इस बारिश के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है। लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में बनी रही। हालांकि बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 11 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में शामिल गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा में दूसरे दिन भी बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। बीते दिनों की अपेक्षा आज दिल्ली में सवेरे दृश्यता कम रही। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 295 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 284 था। इस तरह दिल्ली के एयर इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि दिल्ली में सुबह में एयर इंडेक्स 250 से नीचे आ गया था, लेकिन बाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से औसत एयर इंडेक्स 295 पहुंचा। खराब श्रेणी में ऊपरी स्तर पर यह है। इतना ही नहीं, शाम 6 बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 300 के पार होकर 306 पहुंच गया। एनसीआर के शहरों में सबसे कम गुरुग्राम में एयर इंडेक्स 256 दर्ज किया गया। एक दिन पहले गुरुग्राम में एयर इंडेक्स 217 था। सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली के वातावरण में पार्टिकुलेट मैटर PM10 का स्तर 265 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM2.5 का स्तर 122 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।